नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। मेरे YouTube चैनल टेक एजुकेशन विद नेहा में आप सभी का स्वागत है। आज हम संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, अलग तरीके से मैं आप लोगों को निकालना सिखाऊंगी। चुटकियों में ही पलक झपकते ही आप संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। वर्ग कैसे निकालना है आज मैं आप लोगों को दो तीन मेथड बताऊंगी, जिससे आप बड़े से बड़े संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। उनको गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, आसान से आप संख्याओं का क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। तो आइए मेरे साथ सीखिए कि वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक क्या है 25, 25 का हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। वर्ग निकालना है कैसे, हम निकालेंगे 25 गुणित 25, ठीक है। ये ऐसा हमको करना है। अब क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है। यहां पर भी इसको दो पार्ट में, पहले इन दोनों का क्या करते हैं, इकाई में क्या है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। दोनों को क्या करेंगे, 5 गुणित 5 क्या आएगा, 25। इस 25 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्या बचा, दोनों में 2 और 2 बचा। दोनों में से किसी भी एक में आप प्लस वन करो, जैसे कि मैंने इसमें प्लस वन कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। कोई भी, या तो इसमें करो या तो इसमें, आपकी स्वेच्छा की बात है। वो आप जिसमें भी करना चाहते हैं आप उसमें कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस 2 में क्या किया, 1 जोड़ दिया तो ये आ गया 3। अब क्या हो गया, इस 3 को मैं 2 के साथ गुणा करूँगी, 3 × 2 = 6। तो आपको देख रहे हो क्या आया, 625। मतलब हमको मालूम है 25 का जो वर्ग होता है 625 होता है। मैंने कुछ ज़्यादा गुणा भाग नहीं किया, इकाई को इकाई से और दहाई को दहाई से गुणा किया, बस इसमें एक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये तो हो गया एक सवाल। दूसरा और देख लेते हैं इसी तरीके का सवाल, जैसे कि 45 का मेरे को क्या निकालना है वर्ग। ये जो विधि है केवल इकाई में अगर 5 है तभी लागू होगा, है ना। तो 45 का वर्ग निकालना है मेरे को, तो कैसे निकालेंगे, 45 × 45, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से वही तरीका है, कैसे करेंगे, ये 5 और 5 का गुणा करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दी, 5 × 5 = 25, ठीक है। अब क्या हो गया, ये और ये बचे हैं, दोनों में से किसी में भी एक बढ़ा दी, जैसे कि मैं इसमें बढ़ा देती हूँ तो 4 और 1 ये हो जाएगा 5। अब इस 5 को 4 के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 × 20, 45 का वर्ग 20 = 25, ठीक है। ये क्या है, आंसर है। देख रहे हो कितने जल्दी आसानी से निकल जा रहा है। और देख लेते हैं 105 का वर्ग कैसे निकलेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, 105 × 105, ठीक है। अब क्या हो गया, फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25। अब ये क्या है, 10 है, इसमें भी 10 है, इस दोनों में से किसी एक में एक बढ़ा दिए, जैसे इसमें मैं बढ़ा देती हूँ, ये हो जाएगा 11, 11 × 10 = 110, ये 110 = 25, ये इसका आंसर है। आप चाहें तो गुणा करके देख सकते हैं। और देख लेते हैं एक आध सवाल, 75 का वर्ग कैसे निकलेगा। तो 75 × 75, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर वही तरीका, 5 × 5 = 25, दोनों में से किसी एक में एक बढ़ा दी, जैसे इसमें मैं बढ़ा दी, 8 × 8 = 56, 5 × 6 = 25, इसका क्या होगा, वर्ग हो जाएगा, ये आंसर है। देख रहे हो कितने आसानी से निकल जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण विधि कहा जाता है। ये वैदिक गणित का एक पार्ट है, इसको कहते हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि। ये विधि सिर्फ इकाई में अगर 5 है तभी लागू होगा, ठीक है। और देखते हैं कुछ और नियम देखते हैं हम। किसी को भी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन से मुझे जरूर पूछे, जरूर कहें, कमेंट में कहें, ताकि मैं उसका क्या कर सकूँ, सॉल्यूशन आपको बता सकूँ, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे कि 99 वाला अभी मैं बताती हूँ आपको, है ना। 99 का स्क्वायर क्या होगा, 99 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, 99 × 99 ये कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एक कम करेंगे, 99 को क्या बना दिए, 98 बना दिए। इस 98 को कहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब इस 99 में अगर हम 1 घटाएंगे, जैसे कि ये 99 है ना और ये 98, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 और इसमें आएगा 01। इसको घटा रही हूँ मैं, 1 9 में 8 गया 1 9 में 9 गया 0, ये 0 और 1 को यहाँ पर लिख दी। तो ये क्या है, 98 10, ये इसका आंसर है। समझ में आया, ये आंसर आ गया, कितना आसानी से निकल रहा है ना। और दिखाती और बताती, जैसे कि 999 का ले लेते हैं, 999 का स्क्वायर, तो 999 × 999 999, ठीक है। फिर से वही करना है ना, इसमें एक कम करना है, तो एक कम करेंगे तो 999 × 999 = 998, ठीक है। अब 999 में 998 घटाएंगे ना, ये 998 घटा देंगे तो क्या आएगा, 0 0 और 1,
तो ये 001, ये आंसर हो जाएगा 998001। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो कितने आसानी से निकल जा रहा है। और देखे एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये जो विधि है इसकी सिर्फ इकाई में अगर 9 है तो उस पर लागू होगा। ठीक है, और देखते हैं एक आध सवाल और देख लेते हैं। जैसे कि 4 times 9 है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 4 times 9 ये कुछ नहीं 9998, एक कम कर दिए 0001 घटाने से, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्या करिए, एक कम किया और इस कम करके इसमें इसको घटा दी, जैसे कि हमने पहले किया। इस विधि को एका न्यूनेन पूर्वेण विधि कहा जाता है। वैदिक गणित में इसका उपयोग किया जाता है संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए। ऐसी संख्या जो कि 99 के ना इकाई में जिनमें 9 हो, 999 वाले जो फॉर्मेट में जो होता है उसका वर्ग निकालने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे कि 6 times कोई 9 है, ये इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये। अब इसका हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक कम कर देंगे पहले। ठीक है, उसके बाद 0001, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। ये तो हो गया इकाई में अगर 5 है या 9 वाली संख्या है उसको निकालने का। और अगर नॉर्मल जो संख्याएं हैं उनका अगर हमको वर्ग निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। अगर किसी को फास्ट लग रहा हो तो वीडियो स्लो करके आप देख सकते हैं, है ना। और देखते हैं, जैसे कि 23 है, 23 का हमको निकालना है, 23 का वर्ग क्या करेंगे, 23 ऐसा लिखो, 23 × 23 ऐसा भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 3 × 9, ये एक लाइन खींच दो। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 3 × 6 × 6 = 12, 12 × 2 हासिल को यहाँ लिखना है 1। क्या कि मैं 3 × 6 + 3 × 6 यहाँ पर, और दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 12, 12 × 2 यहाँ लिखिए और हासिल यहाँ पर लिख। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे जो दहाई में है, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 5, ये हासिल को मैं जोड़ूंगी, 5, 5 × 29, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 42 का वर्ग निकाल लेते हैं। ठीक, 42 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 42 × 42, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लिए। ठीक, आप क्या करेंगे, दोनों में पहले इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 2 × 2 = 4। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 4 × 8 = 8, 8 × 4 = 8 + 4 × 8, है ना, 8 × 8 = 16, 16 × 6 हासिल को हम नीचे लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 4 × 16, 16 × 1 = 17, ये 1764 इसका आंसर हो जाएगा। और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। 25 का जो इकाई में अगर 5 है तो उसका भी यहां से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि ये 25 है ना, 25 × 25, वा तो उस विधि से भी निकालो, इस विधि से भी निकलेगा। देखो कैसे करेंगे, ये दोनों को पहले ही गुणा करेंगे, 5 × 25 = 25, हासिल आया 2। अब इसको इससे करेंगे, 5 × 2 = 10, इसको इससे करेंगे, 5 × 2 = 10, 10 × 10 = 20, 20 × 2 = 22, हासिल आया 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6, ये ऐसा भी निकाल सकते हैं। ठीक, पहले कैसे गुणा करते हैं, ऐसा गुणा करते हैं, फिर कैसे गुणा करते हैं, ऐसा गुणा करते हैं, फिर कैसे गुणा करते हैं, ऐसा गुणा करते हैं, पहले एरो के फॉर्म में, फिर क्रॉस में, फिर एरो में। ये तो हो गई दो संख्याओं की बात। अगर हम तीन संख्याएं ले, तीन संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे, जैसे 123 है ना, 123 का क्या निकालना है हमको, वर्ग निकालना है। 123 का कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है, 3 × 9। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, जैसे नॉर्मली करते हैं, 3 × 6 = 6, 6 × 6 = 12, 12 × 2 हासिल आया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इससे, ये मैं मिटा देती हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे करना है, तो कैसे करेंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 2 × 2 = 4, कितना हो गया, 4, 6 = 10, 10 हो गया 10 × 1 = 11 हासिल आया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे,
ये जो ये होने के बाद ये जो संख्या है एक वो संख्या उसको छोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे फिर से ऐसे गुणा करेंगे। तो दो एकम दो, दो एकम दो, दो चार और एक पाँच, अब आखिरी में एक एकम एक, ये आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताती हूँ तब आपको समझ आएगा कैसे किया मैंने। पहले ऐसा गुणा किया, फिर ऐसा गुणा किया, फिर मैंने ऐसा और ऐसा गुणा किया, ठीक है, फिर ऐसा गुणा किया, फिर ऐसा गुणा किया, तीन संख्याओं के लिए इस तरीके से हम करते हैं। अगर चार संख्या होगी तो फिर यही क्रम होगा, बस क्या करना है एक एक संख्या को एक एक करके छोड़ते जाना है और सामने की संख्या को पकड़ते जाना है। जैसे कि 156, इसका वर्ग मुझे निकालना है, 156 को फिर ऐसे लिख लिया मैंने 156। अब क्या करेंगे, 6 छक्का 36 का 6 हासिल आया, 3, 3 को हासिल को नीचे लिख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 30 60 3, 63 का 3 हासिल आया 6, ठीक है। ये दोनों को जोड़े 60 हो गया, और 60 और ये हासिल 3 है, 63 का 3 यहाँ लिखे, हासिल 6 यहाँ लिखे। अब क्या करना है, ऐसा ऐसा और ऐसा गुणा करना है, तो 6 एकम 6 प्लस 6 एकम 6, 5 पंचे 25, 6 6 12 12 और 25 कितना होगा, 12 और 25 जोड़ दो कितना होगा, 7 और 3 37, 37 और 6 कितना हो जाएगा, 37 में अगर हमको 6 जोड़ना है तो ये 3 हो जाएगा, हासिल आया 1, ये 43, ठीक है, 43 का 3 हासिल आया 4। अब क्या करेंगे हम, ये तो हो गया, अब क्या करेंगे फिर से ऐसे गुणा करेंगे, एक संख्या को छोड़ देंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5, 5 और 5 10, 4 14 का 4 हासिल आया 1, 1 एकम 1। क्या किया, पहले इन दोनों को गुणा किए, फिर इन दोनों को गुणा किए, फिर इस फॉर्मेट में गुणा किए ऐसे और ऐसे और ऐसे, फिर क्या किए इस संख्या को छोड़ दिए, फिर इन दोनों को आपस में गुणा किए और लास्ट में ऐसा गुणा किए। ये जो फॉर्मेट है ये आप याद रखोगे तो आप कोई भी संख्या का क्या कर सकते हो, वर्ग निकाल सकते हो आसान तरीके से, बहुत ही आसान, इसमें गलती होने की जगह नहीं होती, कोई गुंजाइश नहीं होती है। चार संख्याओं का, पाँच संख्याओं का भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे इसमें एक संख्या छोड़े, फिर क्या करेंगे, फिर आगे की एक संख्या को लेंगे, फिर छोड़ते चलेंगे, तो इस तरीके से आप आसानी से जो बड़े से बड़े नंबर का क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। ऐसे ही आगे की वीडियो के लिए, लेक्चर्स के लिए, दोस्तों अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।